बिल्कुल समर्थन में है मेरा मुखिया संघ, मेरा पंचायत। हम बाबा साहब को सपनों को साकार करने के लिए उतरे हैं। सरकार से भिड़िएगा, सरकार से भिड़ने के लिए हम गोली चलाने के लिए हम लोग तैयार हैं, तो भिड़ने का क्या मतलब? मारे पीटे हम मरने के लिए तैयार हैं, हम पिटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने अधिकार के लिए हम लड़ते रहेंगे। लाठी और गोली से हम डरेंगे नहीं। क्या कर देगा, हम सस्पेंड कर देगा हम लोग को? फिलहाल में दौड़ा दौड़ा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से पटना में पीटा गया याद है ना, और मुखिया की कहाँ की गिनती है? मुखिया को हाथ नहीं है, अंधा है मुखिया। मुखिया नहीं सरकार को पीट सकता। सरकार की मंशा है बंदर बांट करने की। मुखिया जी, आपको जब वोट हमने दिया, हम वो हमसे उम्मीद करके बैठे हुए, हमको जिताए हैं तो हमसे उम्मीद करते हैं कि हमारे ये काम करने के लिए यहाँ पे आए, और हमारे ही पास वो अधिकार नहीं है तो हम किस तरीके से उनका काम करके देंगे? बिहार में धरना का सिलसिला जारी है और आप देख सकते हैं कि सासाराम कलेक्टरेट गेट के सामने तमाम प्रखंड और तमाम पंचायत के जो मुखिया हैं यहां पर पहुंचे हुए हैं, और यहां पर उन लोगों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर यहां पर देख सकते हैं कि एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है और जिला मुखिया संघ के नेतृत्व में यह धरना दिया जा रहा है। और मैं बता दूं, बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के तत्वाधान में ग्राम पंचायत के अधिकारों में की जा रही कटौती के खिलाफ यहां पर देख सकते हैं कि एक दिवसीय यहां पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, और लगातार जो मुखिया हैं उनके द्वारा प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग धरना दे रहे हैं। धरना में इन लोगों का क्या क्या मांग है, आइए हम मुखिया लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए जो जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष है जोगिंदर सिंह है, आप लोगों के द्वारा यहाँ पर धरना दिया गया है, आखिर ये धरना का उद्देश्य क्या है? बिहार सरकार के द्वारा लगातार पंचायत के अधिकारों में कटौती की जा रही है, और सरकार के द्वारा ग्राम सभा पे जबरन जोर डाला जा रहा है कि आपको ये योजना उसमें लेना है। ये बेमतलब का पंचायत को कमजोर करने का और दबाव बना करके इसकी शक्ति को छीन करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके खिलाफ हम लोग आकर के ऐसी बहुत सारी करते हैं। हमारी सोलर स्ट्रीट लाइट योजना है, बेरेडा को दी गई है, बीते 1.5 साल से दिया हुआ है, कहाँ बेरेडा लगाया है? फेलुअर है। ग्राम पंचायत भी उस योजना को क्रियान्वयन कर सकती है। पंचायत सरकार भवन एलियो को दिया गया है, पहले से एलियो। पंचायत सरकार भवन का समय पर सरकार के द्वारा राशि समय पर नहीं उपलब्ध कराई जा रही है, वरना पंचायत सरकार भवन किसी भी मुखिया जी के द्वारा मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 6 महीने के अंदर तैयार करके दिया जा सकता है, लेकिन सरकार उसकी राशि 2 बरस में देती है धीरे धीरे। ये सरकार की कमी है। ग्राम पंचायत मुखिया जी जब पंचायत सरकार भवन बनाते हैं तो 1.25 करोड़ से लेकर 40 लाख तक का इस्टीमेट है, और वही एलियो को जब दिया जा रहा है तो 2 करोड़ का इस्टीमेट बन रहा है। क्यों? सरकार की मंशा है बंदर बांट करने की। सारी योजनाओं में जिस तरह की कटौती हो रही है और आप लोगों के द्वारा लगातार धरना का सिलसिला जारी है, क्या लगता है सरकार बात को मानेगा? देखिए सोनू जी, हम स्पष्ट आपको बता देते हैं कि हम लोग को जो ग्राम सभा का महत्व है जो पंचायती राज में, यह अधिकार हम लोग को रहना चाहिए। क्योंकि जब तक पंचायत ग्राम सभा का मतलब क्या होता है कि जब उसका मांग पूरा ना हो, तो हम लोग जब तक धरना देते रहेंगे पूरे बिहार में, जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होती। हम लोग 1900 मांग पर जब तक सरकार नहीं हम लोग को मानेगी, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और ना कोई विकास का कार्य करने जा रहे हैं। जो आपको वोट दिए हैं, सीधा सीधी तौर पे कहते हैं कि मुखिया जी के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है, जिस तरह से स्ट्रीट लाइट का काम किसी और को दे दिया जा रहा है, जिस तरह से बंदर बांट किया जा रहा है काम को, सरकार के द्वारा क्या कहिएगा? सबसे पहले तो आपको हम अपने ग्राम पंचायत खड़ारी की तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे आपके चैनल को। देखिए, सरकार के द्वारा हम लोगों को पहले से चिट्ठी दे दी जाती है कि आपको इस तरह की योजनाएं लेनी है, तो आप ही बताइए कि जब सरकार के द्वारा ही योजना लेने की चिट्ठी मिल जाती है कि आपको इस तरह की योजनाएं लेनी है, तो फिर ग्राम सभा का औचित्य क्या हो? इसमें ग्राम सभा का क्या औचित्य है जब सरकार के द्वारा ही योजना लेने की बात अपने से कही जा रही है चिट्ठी के माध्यम से? पैसा से पहले चिट्ठी आ जाती है कि इस तरह की अनटाइड और टाइड की योजनाएं लेनी है, स्ट्रीट टाइड की योजनाएं लेनी है, तो फिर उसमें ग्राम सभा का क्या जरूरत है? या तो ग्राम सभा से योजना ली जाए, या तो सरकार के माध्यम से भी जो योजना ली जाए, या सरकार के द्वारा ही आदमी रह करके योजनाओं को करा लिया जाए। मेरा यही कहना है, इस तरह से सरकार के द्वारा चिट्ठी के माध्यम से ग्राम पंचायत की योजनाओं को छत बिछत कर दिया जा रहा है, और ग्राम सभा के माध्यम से ली गई योजनाओं को
पूरा नहीं। आप लोग धरने पर बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि पंचायत में हम लोगों के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा, आखिर इसमें पंचायत वासियों की क्या गलती है कि कोई काम नहीं किया जाएगा? सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं बबनी पंचायत के मुखिया वरुण सिंह आपको चैनल के माध्यम से आप सभी को आपके टीम को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप देखते आ रहे हैं जिसके वजह से ये धरना दिया जा रहा है मुखिया संघ से। लगातार कई दिनों से हम लोग 16 तारीख से पिछले 16 तारीख से धरना पर बैठे हुए हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग जिला से धरना लगातार हो रहा है, जिला लेवल पे प्रदेश लेवल पे। तो जिस तरीके से सरकार के द्वारा हमारे मुखिया संघ का या मुखिया का या ग्राम पंचायत के संसाधनों का विकास के चीजों को कटौती और छिनौती का काम किया जा रहा है उसको देखते हुए ये चीजें जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, जनता जो है उन तक तो पहुंचता नहीं है, वो हमारे ही माध्यम से जाता है, उनको तो चिट्ठी और पत्रिका मिलता नहीं है, वो हमें बताना पड़ता है। और हमारा जो भी ये ओहदा है उसको लगातार सरकार द्वारा छत बिछत किया जा रहा है, उसका हनन किया जा रहा है, इसका सीधा सीधी असर पंचायत वासियों में पड़ता है। वो हमसे पूछते हैं कि मुखिया जी आपको जब वोट हमने दिया हमसे उम्मीद करके बैठे हुए हैं, हमको जिताए हैं तो हमसे उम्मीद करते हैं कि हमारे ये काम करने के लिए यहाँ पे आए, और हमारे ही पास वो अधिकार नहीं है तो हम किस तरीके से उनका काम करके देंगे। जिस तरह से बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से जनप्रतिनिधियों की हत्या लगातार होती जा रही है, खासतौर पर मुखिया को जिस तरह से दिन दहाड़े मारा जा रहा है, उसके बारे में क्या कहिए? हम बकसरा पंचायत के मुखिया गुलबासो पांडे, हम तो सरकार से यही कहूंगी कि हम लोग का अधिकार छीना गया है, हम लोग का अधिकार रह कहाँ गया है? हत्या इससे हो रही है कि मुखिया लोग तो हावी हैं, हम लोग तो हावी हैं अपने अधिकार के लिए, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। पंचायत में जाने में हम लोग को शर्म आती है कि पंचायत का विकास नहीं हो रहा है, जनता हम लोग को क्यों ला चुनी है, अपने विकास के लिए चुनी है। इंदिरावास में वही हाल है, गलनी लनी का वही हाल है, लेकिन हम लोग कहाँ से कर पाएंगे? सरकार अंधा बैठी हुई है, अंधा सरकार बैठी हुई है कि मुखिया के अधिकार को छीना जा रहा है, उसी में भी कटौती बार बार कटौती कर जा रहा है। पंचायत सरकार भवन का तो टेंडर होगा, पंचायत का मुखिया का कोई अधिकार नहीं है। सौर ऊर्जा प्लेट लगेगा तो वहीं से लगेगा, वहीं से टेंडर होगा, अब फंसेगा कौन? तो मुखिया फंसेगा। तो हम तो अपने पंचायत में बकसरा में तो लगने नहीं देंगे, ये तो सवाल ही नहीं है। 4 वार्ड चयन है और 15 वार्ड में 4 वार्ड, 11 वार्ड कहाँ जाए? सरकार से भिड़िएगा, सरकार से भिड़ने के लिए हम, गोली चलाने के लिए हम लोग तैयार हैं, तो भिड़ने का क्या मतलब? सरकार एक और हाल जानती है, वो भी उसका भी प्रयोग करना शुरू कर देगा। क्या कर देगा? हमको सस्पेंड कर देगा हम लोग को? हाल में दौड़ा दौड़ा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से पटना में पीटा गया याद है ना, और मुखिया की कहाँ की गिनती है? मुखिया को हाथ नहीं है, अंधा है मुखिया, मुखिया नहीं सरकार को पीट सकता। क्या औकात है मुखिया? बहुत सा औकात, औकात औकात तो अब तो सरकार को पता चलेगी कि मुखिया के क्या औकात है, सरकार को पता चल जाएगा कि मुखिया के क्या औकात है। हम लोग यही नहीं है कि मुखिया है तब जिंदा है, हम लोग संघर्ष करते रहेंगे और अधिकार अपना लेकर मानूंगी सरकार से। इस धरना के माध्यम से सरकार को अल्टीमेटम क्या दीजिएगा, जिस तरह से आप लोगों के द्वारा धरना दिया जा रहा है और जिस तरह से लगातार मुखिया जनप्रतिनिधियों की बिहार में हत्या हो रही है, उसके बारे में क्या कहिए? देखिए, सबसे पहले तो मुखिया को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जाए, जो सक्षम है उन्हें हथियारों का लाइसेंस, आर्म का लाइसेंस दिया जाए, और नहीं है उन्हें सुरक्षा की भरपूर व्यवस्था किया जाए। और केंद्र राज्य सरकार जो मुखिया के अधिकारों को कटौती कर रही है, किसी न किसी वजह से मुखिया को बदनाम करनी, सबके हर दुश्मन मुखिया आज के डेट में हो गया है मुखिया के, जबकि सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं भार है वो मुखिया पे है। मुखिया सहज गांव में उपलब्ध हो जाता है, लोग अपनी समस्याओं को लेकर के मुखिया के पास और मुखिया से उम्मीद रखते हैं। तो मुखिया के जो अधिकार है उसमें कटौती बंद हो, बल्कि और भी प्रभावी उसको बनाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा निचले स्तर से विकास हो। निचले स्तर से विकास होगा तभी ऊपर विकास जाएगा। सरकार का भी जो ध्येय है कि हमारा, हमको विकास करना है, तो विकास जब नीचे से शुरू होगा तो ऊपर तक पहुंच जाएगा। इसलिए पंचायत को सशक्त बनाया जाए। अभी तक 15वीं वित्त का पैसा केंद्र सरकार से नहीं आया और बहुत सारे ऐसे रूल रेगुलेशन बना दिए गए केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा, जिससे मुखिया को कार्य करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही। ग्राम सभा को जो स्वतंत्र होना चाहिए उसकी स्वतंत्रता पे पाबंदी लग गई है, उसे पूर्ण स्वतंत्र किया जाए, यही हमारी मांग है सरकार से। तमाम जिले के मुखिया यहाँ पर धरना दिए हैं और धरना
देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है। और मैं बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो रोहतास कैमूर एमएलसी हैं संतोष कुमार सिंह समर्थन में उतरे हुए हैं, क्या कहिएगा, समर्थन में उतरे हुए हैं मुखिया? बिल्कुल समर्थन में है मेरा मुखिया संघ, मेरा पंचायत। हम बाबा साहब को सपनों को साकार करने के लिए उतरे हैं। बाबा साहब ने जो संविधान में पंचायत की जो कल्पना की है कि अगर मेरा पंचायत सशक्त होगा, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों का जब विकास होगा, तब मेरा राष्ट्र मजबूत होगा। और सही माने में देश आजाद कराना और जो प्राणों की जिसने कुर्बानी दी है देश आजादी के लिए, उनका सपना साकार होगा। लगातार मुखिया जी लोगों के द्वारा प्रखंड मुख्यालय पर धरना दिया जा रहा है और आज जिला मुख्यालय पर दिया जा रहा है। और मैं बताना चाह रहा हूं कि जो योजनाओं में कटौती हो रही है इसी को लेकर धरना दिया जा रहा है। क्या सरकार इनकी बातों को सुनेगा या नहीं सुनेगा? सरकार इनको बातों को नहीं सुनेगा या सुनेगा वो तो विषय बात का है। भारतीय संविधान में सबका मौलिक अधिकार है और संघ आज पंचायत से रोड पे उतर चुका है। अगर इनकी बात नहीं मानी गई तो कल रोड से सड़क तक जाएंगे, सदन तक जाएंगे, सदन चलने नहीं देंगे। और आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभी हमारे जो आज के तत्कालीन सरकार के नेता हैं, इनके इनके अधिकारों का सम्मान करिए, इनके साथ धोखाधड़ी मत करिए। क्या लगता है कि अगर इनकी बातों को नहीं माना गया तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सड़क पर उतरेगी क्या पटना में? बिल्कुल सड़क पर उतरेंगे। अगर इनकी बातों को नहीं मानेंगे सड़क तो क्या यार, सदन तक उतरेंगे, आमरण अनशन करेंगे। जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है अपनी अनशन जारी रखेंगे जब तक इनके मानों को नहीं माना जाए। और फिर दौड़ा दौड़ा पीटा जाइएगा तब आप लोग क्या कीजिए? वो तो काम है, तो हम तो मालूम है सबकी तुगल की फरमान है। ये तो हिटलर की सरकार है तो सबको मालूम है। मारे पीटे हम मरने के लिए तैयार हैं, हम पिटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने अधिकार के लिए हम लड़ते रहेंगे। लाठी और गोली से हम डरेंगे नहीं, इनके अधिकार के लिए हम लड़ते रहेंगे जब तक इनको अधिकार इनको मिल ना जाए। जैसे कि अभी आपने मुखिया संघ के लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कलेक्ट्रेट गेट के सामने धरना दे रहे हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और साफ तौर पर लोगों का कहना है कि सरकार को आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में और 2025 विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। जितने भी जिले के मुखिया हैं और बिहार के मुखिया हैं साफ तौर पर सरकार का विरोध करेंगे और हमारी बातों को नहीं माना गया और हमारी बातों को नजरअंदाज किया गया तो हम लोग सरकार को सत्ता से उखाड़ कर फेंकने का भी काम करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से मुखिया संघ के द्वारा यह लगातार आरोप और प्रत्यारोप लगाया जा रहा है कि हम लोगों की योजनाओं में कटौती की जा रही है और सरकार लगातार ये काम किसी बिचौलियों को दे रही है, जिससे हम लोग आहत होकर आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।